चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। बताया था कि हमारा जो टाइम मटर है वो 7 लेयर में, 7 लेयर में डिवाइडेड है। तो पैसे जो ऊपर की चार, नीचे की चार लेयर वो बोलते हैं डाटा लिंक लेयर, और नीचे ऊपर की 3 लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर ले या फिर इसमें एप्लीकेशन टीम काम करती है। ठीक है, तो जो नीचे की चार लेयर उसमें नेटवर्क टीम काम करती है, जैसे फिजिकल डाटा लिंक ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर पे हम काम करते हैं नेटवर्क इंजीनियर, जहाँ पे राउटर होते हैं, डाटा लिंक लेयर पे स्विचेस होते हैं, और फिजिकल लेयर पे आपके हब जो होता है, हब जो होते हैं, हब जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो मोबाइल कम्युनिकेशन में आप केबल्स आती हैं, ये फिजिकल लेयर पे है। ठीक है, और डाटा लिंक लेयर से बताया हुआ आपको स्विच होते हैं, पर बताया था स्विच स्विच आपका L2 डिवाइस है, और नेटवर्क में आपकी L3 डिवाइस है राउटर, और L4 आपका क्या है लाइक फायरवॉल, 3.5 में फायरवॉल आता है, F5 लोड बैलेंसर आता है, ये आपकी लेयर 4 डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें आपकी सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर हमारा काम नहीं है, डेवलपर्स करते हैं, हम नेटवर्क का काम कर देते हैं, तो आगे वो सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर अपना डेवलपर काम करते हैं। इसे क्लियरली देखिए लिखा हुआ है इसमें, एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर डील विद नेटवर्किंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन बन गए हैं आप कैसे, लाइक जो मोबाइल में एप्लीकेशन बन गए हैं, जो ऐप डेवलपर हैं वो काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या, मान लीजिए कोई डाटा आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है वन यूजर टू अनदर यूजर, तो आप नेटवर्क में अगर एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसमिट करें डाटा, तो अगर आप उसे इनकोड या इनक्रिप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में वो लॉस हो जाएगा, मार्केट में वो खो जाएगा, कोई इसको कट कर देगा, कोई उसको डिकोड कर लेगा, अल्टर कर लेगा, चोरी कर लेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन केस में प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। एक कोडिंग फॉर्मेट होते हैं 3DS, 3DS, ADS, ये सब कोडिंग फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट में कोड करके हम आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है। फिर जब यूजर के पास आता है, वो डिक्रिप्ट करता है, डिकोड करता है, और वो दिखता है, जिससे हमारे जो डाटा है वो क्या रहेगा, आपका सिक्योर रहेगा, नोबडी कैन उसको इनक्रिप्ट या फिर कोई उसे हैम्पर कर सकता है, टेम्पर कर सकता है। फिर आते हैं हम सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या आता है सर, मेन मेन काम क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन सर्विस करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं। सिंपल मतलब वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मतलब हाफ कम्युनिकेशन, पहले अपलिंक होगा फिर डाउनलिंक होगा, और फुल डुप्लेक्स मतलब अपलिंक डाउनलिंक साथ होगा। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, का मेन काम है कि डाटा, डाटा हाउस की रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ये नेटवर्क लेयर आपकी आती है, इसको हम सिस्को लेयर भी होते हैं, क्योंकि सिस्को लेयर से बोलते हैं क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा 90-80% डिवाइस सिस्को की होते हैं, सिस्को एक वेंडर है, इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी सुने होंगे आपने, CCNA, CCNP, CCIE, तो ये सिस्को के लेयर पे काम करते हैं, इसमें पैकेट फिल्टरिंग, डाटा राउटिंग, पाथ राउटिंग सब इसमें होता है, इनक्रिप्ट, ये मेन आपकी नेटवर्क लेयर है। डाटा लिंक लेयर इसमें मैक एड्रेस पे काम करती है, बताया ये मैक एड्रेस पे काम करती है, फिजिकल एड्रेसिंग पे, मैक एड्रेस, जो स्विच है L2 स्विच, स्विच दो टाइप की आती है, L2 स्विच भी आती है, L3 स्विच भी आती है, तो L3 स्विच लेयर 3 पे काम करेगी, वो राउटर का भी काम कर सकती है, वो एडवांस स्विचेस होती है लाइक 9960, 9360, सिस्को की सीरीज है स्विचेस की, इस पे काम कर सकती है, वो L3 स्विच है। डाटा लिंक लेयर के मैक एड्रेस पे काम करेगा, और फिजिकल लेयर बता रहे फिजिकल कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस की, लाइक केबल वाइज, उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर।
देखिए ये एप्लीकेशन का इशू है भाई। आप इससे जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम है उससे बात करिए, आप नेटवर्क का इशू नहीं है, ये डिक्रिप्शन का इशू है। ये देखिए लिखा ना डिक्रिप्शन, मैंने बताया ना ये लेयर 7 का काम है, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम उससे बात करिए, वो इस पे काम करेगी। ठीक है, तो आपके पास कोई स्पेसिफिक बंदा हो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का स्पेशलिस्ट, उससे बात करिए, वो आपके सेशंस को उठा के अपने उनका माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होते हैं टीम, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम के कॉन्टेक्ट हो तो आपके सेशन का सॉफ्टवेयर उठा के हर सेशन का वो व्यू करेंगे, कहाँ लॉस हो रहा है, बता देंगे किस लेयर लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर कनेक्टिविटी का इशू हो तो मैं लाता है, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू नहीं, लेकिन क्लियरली मेंशन है कि ये इंक्रिप्शन का इशू है, मतलब ये काम एप्लीकेशन लेयर का इशू है। देखिए लिखा हुआ है अनेबल टू डिक्रिप्ट द डिवाइस, मतलब डाटा सेंड कर रहे हैं इंक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझे कि नहीं आप। तो कभी आप उसकी एक बार ऐसा करिए ना, उसकी एक बार वो जो आपके में फायरवॉल है विंडोज फायरवॉल, मैं आपके साथ विंडोज फायरवॉल का इशू है तो विंडोज की का फायरवॉल ऑफ करके देखिएगा, आप ऑटोमेटिक अपडेट फायरवॉल थी वो ऑफ करके देखिएगा, शायद ये काम कर जाए। कभी कभी फायरवॉल भी हमारी कुछ अपडेट्स में ब्लॉक करती है। मैंने कल बताया हुआ है कि आपको दो सिस्टम को कनेक्ट करना है बाय लाइन केबल, ठीक है, तो लाइन केबल जानते हैं आज जो फटी क्या होती है, नहीं जानते तो बताऊ मैं, जानते लोग ना आज भट्टी वाइज, अच्छा RJ45 जो आपके लैंड पोर्ट में जो केबल लगती है प्लास्टिक की होती है, उसमें आप दबा के लगाते हैं लैंड पोर्ट, उसको बोलते हैं RJ45 केबल। तो RJ45 केबल का मेन काम है लैंड में डाटा ट्रांसफर करने में, ठीक है, एक RJ45 अपने लैपटॉप में लगाई लैंड पोर्ट में, एक RJ45 दूसरे लैपटॉप में पोर्ट लगाई, ठीक है, और अपने जिससे आप क्या शेयर करना है उसको, कोई जैसे आपको एक फाइल शेयर करनी है सामने वाले को, तो वो फोल्डर में फाइल डाल दिया, फोल्डर को राइट क्लिक करिए उसमें आएगा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, आप राइट क्लिक करिए तो फोल्डर में ऑप्शन आएगा शेयरिंग सिक्योरिटी का, तो आपको शेयर कर दीजिए नेटवर्क में शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर अपने लैपटॉप के लैपटॉप में जाइए और वहाँ IP 192.168.1.10 ठीक है 1.1 डालिए, ठीक है, और उसका सबमिट डालिए 255.255.255.0 और अपने डिफॉल्ट वो डाल दीजिए, डिफॉल्ट पे डाल दी 192.168.16 और जो सामने वाला है उससे आपने लाइन केबल कनेक्ट किया वहां डाल दीजिए 192.168.1.2, सबनेट सेम रहेगा और डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा, ठीक है, आप लैन कनेक्ट कर दीजिए दोनों में लाइट, अगर पोर्ट पे लाइट जल रही है मतलब आपके लैन पोर्ट कनेक्टिविटी ओके है, आप दूसरा लैपटॉप पे जाइए और जाइए वहां पे शेयरिंग सिक्योरिटी में, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक दिखेगा कि फोल्डर शेयर है, हाथ तक हाथ ना रहेगा मतलब हैंड ना रहेगा और फोल्डर शेयर रहेगा, उस फोल्डर को खोलेंगे तो आपको अपनी फाइल दिख जाएगी, सही है विमल, लोग समझ आ गया, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, नहीं नहीं ठीक है आता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ बना के, ठीक है आपको एक एक विमल, हेलो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आपको, मैं एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ आपको PDF में बना के, मैं निशा को या आपको अपनी मेल आईडी बना के 10 मिनट में मिल रहा था आपको अपने अगर दिक्कत है डायरेक्टली कनेक्ट करें मुझे कॉल करें, मैं सपोर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी नहीं अकेले काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क, ठीक है, TDM की CDM है, हाँ टीडीएम में क्या है ये एक टेक्निक होती है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है, ऐसे बहुत सारे इनपुट को एक आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, नहीं
मल्टीप्लेक्सिंग दैट मल्टीप्लेक्सिंग इज जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम एन डिवाइस टू वन डिवाइस. ओके, तो मल्टीप्लेक्सिंग दो रेटिंग होती है, एक होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, एक होता है एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स. तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस में क्या होता है, हम टाइम वाइज डिवाइड कर देते हैं चीजों को, तो उसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स. और फ्रीक्वेंसी वाइज हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स. दीज आर ऑल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स एफडीएमए एंड टीडीएमए. ये नेटवर्क के इंटरनल इंटरनेट का टेक्निकल पार्ट्स है जो हम डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर पे अपने नेटवर्क में आपकी, और जो टेम्पररी फाइल आपके ब्राउजर में सेव है उसको रिमूव करिए, हिस्ट्री क्लियर करिए, कुकीज क्लियर करिए अपने अपने ब्राउजर की, और एक बार ब्राउजर को बंद करके रिस्टार्ट करिए, अपने आप आपका पैंक हो जाएगा. नहीं तो अगर ये दिक्कत नहीं सो रही तो अपने ब्राउजर को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, सही हो जाएगा. ठीक है,